एक दिवसीय दौरे पर आज केंद्रीय अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन गैरुल हसन अम्बेडकर नगर के दौरे पर आए। अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन का शिव बाबा के पास स्वागत करने पहुंचे निशान हैदर, गौरे रिहान, रिजवान अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दर्जनों गाड़ियों से स्वागत किया। चेयरमैन गैरुल हसन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनता की समस्या को सुना, जिसमें डीएमसी, डीओ, एसपी आदि आला अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन गैरुल हसन ने बताया, सर इस जिले में आप आए, सबसे ज्यादा समस्या माइनॉरिटी की क्या आई आपके सामने? इस जिले में जो माइनॉरिटी की समस्या आई है वो ज्यादातर मदरसे से रिलेटेड समस्या आई है, और हमारी बात हुई अधिकारियों के साथ में और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर के साथ भी बात हुई है, तो कुछ समस्या है उन्होंने निराकरण करने का वादा किया है और वो जल्दी उनको निराकरण करके बताएंगे। दूसरी समस्याएं जो हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि जो आम समस्या होती है, किसी की छोटी छोटी परेशानी होती है, उस संबंध में भी यहाँ के जो जिले के जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब और कप्तान साहिबा से बात हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा मसला इस जिले में नहीं देखने को मिला, किसी ने शिकायत भी नहीं की, हमने जनसुनवाई भी रखी थी तो लोगों ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। बाकी जो योजनाएं हैं खासकर जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, अल्पसंख्यक से रिलेटेड हैं, उसमें मेरिट के मीन्स और पोस्ट मेरिट जो हमारी स्कॉलरशिप है उसका डाटा उन्होंने दिया है। जितनी यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, उस 100% लोगों को स्कॉलरशिप बच्चों को मिली। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ प्रस्ताव के लिए भी बात आई है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर उस प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। जैसे सद्भावना मंडप की बात है जो केंद्र सरकार बना के देती है माइनॉरिटीज के एरिए में, और मिनी आईटीआई की बात है, कुछ स्कूलों में बिल्डिंग की बात है माइनॉरिटीज की, कुछ मदरसों में टॉयलेट की बात है, उसके लिए हमने डीएमओ से कहा है कि आप प्रस्ताव बना के दीजिए और इसको जल्द से जल्द बनाइए, जिसमें चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इस प्रस्ताव को पास करा करके और इस जिले में जो है वो धन आवंटित करा दिया जाए, जिससे काम शुरू हो। मदरसों में एक चीज देखी जाती है कि सरकार बनने के बाद इसकी जांच कराई गई पोर्टल पर लॉक होने से पहले, लेकिन आज भी उसी धरने पे चल रहा है मदरसा जैसे पहले चलता था। देखिए अब पर्टिकुलर तो कोई शिकायत इस तरह की नहीं मिली, जांच इसलिए कराई गई थी कि जो फर्जी मदरसे थे उनको बंद कराने की बात थी, और ये सही है कि फर्जी मदरसे भी चलते हैं, लेकिन सब नहीं चलते हैं, कुछ मदरसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ मदरसों को एड मिल रहा है, कुछ मदरसे जो हैं रजिस्टर्ड हैं, 700 करीब मदरसे यहाँ जैसे बताया गया, 12 मदरसे ऐसे हैं जो एडेड हैं गवर्नमेंट से, तो लेकिन उसमें यह है कि कोई इस तरह की बात नहीं आई कि मदरसों में कोई बहुत ज़्यादा घाल मेल होता उसका वो। बाकी एक दो शिकायतें आई हैं, उसको मैंने स्पेशली डीएम साहब से कह दिया है कि इसको जांच करा करके और इस पर यथाचीघ्र कार्रवाई करें। एक जांच यहाँ पे डीएमओ साहब ने किया मिनी आईटीआई का, इससे पहले भी उसकी जांचें उसी तरह से पाई गई कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, और इसकी जांच पुनः करवाने की जरूरत पड़ी है आपको, उस पर क्या करेंगे, जो रिकवरी करेंगे धमकी? देखिए अभी क्या है कि जिनका मदरसा है वो बता रहे हैं कि मेरे यहाँ चल रहा है, वो भी मुझसे आज मिले हैं जिस मदरसे के बारे में आप बात कर रहे हैं। डीएमओ साहब ने कहा कि वहाँ पर उस तरह के संसाधन नहीं थे, जिस तरह के क्लासेस के लिए सामग्री होनी चाहिए वो नहीं थे वहाँ पर। मैंने डीएम साहब को कहा है कि इससे किसी अलग से जांच करा करके, किसी दूसरे अधिकारी से जांच करा करके और वास्तविकता क्या है उसकी जांच आ जाए, तो उसके ऊपर से कार्रवाई होगी। ये पूरे जिले के मदरसे के लिए क्यों नहीं कह देते हैं कि डीएमओ के ऊपर अगर विश्वास नहीं पूरे जिले के मदरसों के लोगों ने न तो शिकायत की है, मदरसे वाले कहाँ शिकायत करेंगे जब वो खुद चला रहे हैं, उसमें फर्जीफिकेशन में शामिल हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई या डीएमओ शिकायत करें या वो शिकायत करें, दोनों में से कोई अगर शिकायत करेगा तो जांच होगी। जैसे एक शिकायत मिली डीएमओ साहब ने कहा नहीं था, मैंने डीएमओ से पूछा, मदरसे वाले कह रहे नहीं सब है साहब, तो अब मैंने डीएम को दिया है कि इसके अलग से किसी अधिकारी से आप जांच करा। सर 2 साल से सैलरी नहीं आ रही है भाई साहब, मैं मेरी संज्ञान में मैं नहीं आप लोग को 2 साल से नहीं 3 साल से नहीं आ रही भाई, मैं नहीं आप लोग को सैलरी के लिए जो आपके मिनिस्टर हैं मानव संसाधन मंत्रालय के प्रकाश जावड़ेकर जी, उनसे मैंने बात किया था आज से 5-6 महीने पहले जब आप लोग का धरना दिल्ली में चल रहा था, तो हमने उनको लेटर भी लिखा था, उस पर उन्होंने 1 साल की जो है दे दिया है, ये सब मदरसे वालों को मालूम है, लेकिन वो रिलीज नहीं हो रही है 40-60 के चक्कर में परसेंटेज के बारे में। अभी एक हफ्ता पहले भी मैं मिला था कि जो 1 साल की सैलरी है वो मिल जाए लोगों को,